Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। मुजफ्फरनगर का मुद्दा तो आपको पता ही है, सबसे पहला सवाल नेम प्लेट को लेकर। वो कोई मुद्दा तो है नहीं, हमारा जो स्टैंड है इस इशू पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, वही पार्टी का स्टैंड है। और जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं, ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बार मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है, जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है, अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हों, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। गैन जी, टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो, नाम के बोर्ड क्या? पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है।